नमाज दोहर के लिए अपनी सवाल से दिल्ली होते हैं। इस कदर मकाई को आलामा, इस कदर दुखों से टूटे हुए हैं, लेकिन हुसैन तेरी किरदार को सलाम है कि नमाज अभी भी तुझे याद है, इस हाल में भी नमाज तुझे याद है। हमारे यहां तो कोई जरा सा काम हमें बढ़ जाए तो सबसे पहले हमारी जिससे लड़ाई होती है वो कौन है? नमाज। कोई जरा सा काम हमें बढ़ जाए, सारे दुनिया के काम होते हैं एक लड़ाई है तो नमाज से नमाज नहीं पड़े। भाई नमाज ही पढ़ो उनके लिए काम था, भाई नमाज को मुझे मानना काम था। अरे भाई तुम काम को कहते हैं कि मुझे नमाज पढ़नी है, ना कि तू नमाज से कह रहे मुझे काम। नमाज तो बहुत अहम तरीन चीज है कि तवाफ के अलावा किसी चीज के लिए नहीं होता, मगर फर्ज नमाज के लिए तवाफ के अलावा भी रोक दिया। हुसैन ने भी आई सवारी के लिए उतरे, नमाज दोहर का वक्त है, नमाज दोहर अदा करने के लिए आपके लिए नमाज जवाब पढ़ रहे हैं। शिवर विदूषण और दीगर जदीदी खबीस आप हमको क्या कह रहे हैं? भाई ये शेर की और आप शेर के, हम सारे बकरियों के बच्चे हैं, हमें इतना दम नहीं है, फिर लड़ गए। बेहतरीन मौका है जब ये सज्जे के साथ रखे एंड उसी वक्त इन पर अटैक करो, राइट? अल्लाह की वसीयत यही, अल्लाह तबारक व तआला की वसीयत यही, रखा नहीं उसका निजाम है। कयामत का दिन आएगा तो मुझे पता चलेगा कि क्या इसने रास की बात की। हमें तो कुरान और हदीस में जो बात समझ में आई वो यही कि इतने मसाइल को आधार पर हुसैन इतने अकेले अपने सबर से उम्मत को रस दिया है कि सबर करना सीख लो, कि जो सबर करना सीख जाता है वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। जिस वक्त ये हुसैन है नियत बांधी और अब जो ही वो सजदे पे गए तो वो सजदे में जाने की देर भी एक चार कदम से जल्दी ही उन पर टूट पड़े थे। और आगे में वही शिवर, वही शिवर जो हजरत अली से लड़ा था, उसी ने आगे बढ़कर सरकत पर वार किया और सर इमाम का तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना